सर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सर क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, आज समाधान यात्रा के क्रम में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का इंद्रपुर पंचायत के मरकट्टा ग्राम में शुभागमन है। इस क्रम में गांव में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि इस तालाब का सौंदर्यीकरण करते हुए यहां पर आधुनिक सुविधाओं का विकास किया गया है। यहां सोलर ट्री का अधिष्ठापन किया गया है जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है, 1 किलोवाट इसकी क्षमता है। यहाँ बगल में नीरा कैफे भी है, एक चलन पुस्तकालय भी स्थापित किया गया है। स्मार्ट सोलर बेंच भी लगाया गया है जहाँ पर छात्रगण अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फ्री वाईफाई की सुविधा भी है। पीछे आप देख सकते हैं ओपन जिम की सुविधा भी दी गई है। पूरे तालाब को बिल्कुल मनोरम बनाया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइट भी सोलर से जो चलने वाली लगी हुई है। आगे चल करके विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं। साथ ही गाँव में स्मार्ट क्लास, मॉडर्न लाइब्रेरी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 3D तकनीक, जो अत्याधुनिक तकनीक है, उसके माध्यम से छात्रों को शिक्षा मिलेगी। इन सभी चीज़ों का डिमॉन्स्ट्रेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से कराया जाएगा और उनका उद्घाटन कराया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। अभी हम मौजूद हैं जमुई प्रखंड के इंद्रपुर पंचायत के मरकट्टा गांव में, जहां पर आज जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर आज जो है समाधान यात्रा के तहत जो है जमुई आने वाले हैं। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पूरी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। और ये देख सकते हैं ये जो तालाब है, ये अमृत सरोवर ये बनाया गया है, इसका जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, मुआयना करेंगे। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं गांव में ये पहली बार सोलर ट्री इंस्टॉल किया गया है। जम्मू जिला के पहला जो है ये जो पंचायत है जहाँ पर जो है ये सोलर ट्री का इंस्टॉलेशन किया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीरा का भी स्टॉल लगाया गया है। इसके साथ ही ये जो आप बेंच देख रहे हैं, ये एक अनोखा बेंच है। इस बेंच जो है ये सोलर पावर से जो है ये बेंच ऑपरेट होता है। और इसमें जो है ये खासियत है कि इसमें आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ही इस ये जो बेंच है, इस बेंच में जो है आप वाईफाई से भी कनेक्टेड है। मतलब ये बेंच जहाँ पे लगा रहेगा उस पूरे एरिया को वाईफाई हॉटस्पॉट में बदल देगा। इसके साथ ही बच्चों को पढ़ाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो है इस बेंच में लाइट भी लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह यहां पर अभी पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा जो है हर एक स्टॉल का मुआयना किया जा रहा है, तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही समय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अभी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे, जिसके लिए पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। और जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह द्वारा जैसा कि देख सकते हैं कि जो है एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा है और तैयारियों का पूरा जायज़ा लिया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये जो है स्वच्छ भारत मिशन लोहिया, स्वच्छ बिहार के तहत जो है अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे, जिसको जो है जिला जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जिसका जो है निर्माण कराया गया है, इसका विधिवत उद्घाटन आज मुख्यमंत्री के हाथों होना है। सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर बॉम्ब स्क्वाड की भी टीम पहुंची है और जो भी यहां पर तमाम स्टॉल लगे हुए हैं, सभी स्टॉल का जो है बम निरोधक दस्ता जो है उसके द्वारा जो है एक एक चीज़ों का जांच किया जा रहा है, एक एक चीज़ों को चेक किया जा रहा है। देख सकते हैं बम निरोधक दस्ता हैं और ये जो है अभी जीविका के काउंटर पर हैं और यहाँ पर काउंटर पर जो भी चीज़ें यहाँ प्रदर्शित की गई हैं उन सभी चीज़ों को बारीकी से बम निरोधक दस्ता द्वारा जाँच किया जा रहा है। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।